सिख मेरा सवाल था, मेरी अम्मी माजूर हो गई हैं और उनका दवा चलता रहता है, तो उनके मगर उनके लिए जो रोजा का फिदिया होता है, तो क्या हम लोग एक साथ 30 आदमी को दावत देकर ऐसा खिला सकते हैं? हाँ, खिला सकते हैं, लेकिन जो जो अय्याम अभी आए नहीं हैं उनका फिदिया आप अभी ना दें। जैसे अभी हम लोगों का आज मेरे ख्याल से 10वां रोजा था, तो जी अभी 10 रोजा गुजर जी चुका, तो 10 का फिदिया आप एक साथ दे सकते हैं। 10 लोगों को बुलाइए और एक साथ खिला दीजिए। अभी बाकी जो 20 आगे बचा हुआ है उसका अभी नहीं दे सकते आप, क्योंकि सबब से पहले किसी इबादत का करना ये काफी नहीं है। अभी वो सबब नहीं आया है, वो अय्याम अभी नहीं आए, तो उनका फिदिया अभी नहीं देंगे आप। अलबत्ता अगर पूरा रमजान आप गुजार दीजिए, जब बिल्कुल आखिरी दिन रहे उस दिन बुला करके आप जो है 30 या 29 जितने भी रोजे हों उतने फकीरों को आप खिला दीजिए। अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो बूढ़े हो गए थे तो रमजान के आखिर में वो 30 मसाकीन को बुलाते और एक साथ सबको खाना खिला देते। तो खुलासा ये कि आप एक साथ जी जी खिला बिल्कुल सकते हैं, लेकिन उन अय्याम के का फिदिया दे सकते हैं जो अय्याम गुजर चुके हैं, जो अभी आने वाले हैं उनका नहीं। जी, यही हदीस सुना था अनस रजी अल्लाह अन्हु के बारे में। तो शेख, इस जी पे एक और सवाल था, जैसे आलिम साहब बोल रहे थे उसमें मिस्कीन को खिलाना है, तो नॉर्मली अभी गांव घर में हम लोग रहते हैं तो माशाल्लाह से सब आदमी मगर भले बुरे खाते पीते हैं, तो ऐसे आदमी को हम लोग खिला सकते हैं ना? अब तो स्पेशली मिस्कीन आदमी को खोजना थोड़ा देखिए मुश्किल हो मिस्कीन, जाता है, तो ना। देखिए मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके अपने माल से, अपनी आमदनी से उसके उसका अपना पूरे साल का खर्चा पूरा ना होता हो, कम पड़ता हो, कुछ साल पूरा होने में कम पड़ता हो, वो मिस्कीन है। आप ऐसे आदमी को तलाश करके खिलाइए।